मैं भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम इंटरनेशनल। तो शुरुआत करते हैं दुनिया की ताजा खबरों के साथ। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से जंग के चलते हार्म एंटी रडार मिसाइल की एक खेप सौंपी। वहीं यूक्रेन इनका इस्तेमाल रूस पर हवाई हमले में कर रहा है, तो वहीं रूस ने नाटो और अमेरिका पर यूक्रेन को मदद देने का आरोप लगाकर उनकी आलोचना की है। खबर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से है, जहां सरकारी कर्मचारियों ने वेतन ना मिलने के चलते प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारियों ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 2 महीने से हम लोगों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वहीं आए दिन किसी ना किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उसाकेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत चीन SCO शिखर में कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं उसाकेव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पक्ष पर रणनीतिक स्थिरता और एशियाई प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर SCO में भारत के साथ सहमति बन सकती है। पाकिस्तान में बाढ़ के चलते पूरा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। वहीं पाकिस्तान के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। तो वहीं IMF और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए राहत पैकेज जारी किया। SCO बैठक से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिख जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर रखा, जिसके चलते पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मीर पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को 10 लाख पाउंड का राहत पैकेज जारी किया। बता दें कि अमेरिका ने मानवीय सहायता के चलते 2 विमान से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन सामग्री वितरित की। वहीं पाकिस्तान में बाढ़ से 17 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए, जबकि 12,728 लोग घायल हैं। चीन के पूर्वी प्रांत झेंजियांग में चक्रवाती तूफान टाइफून मुइफा ने बंदरगाहों पर दस्तक दे दी है। वहीं चीन के अधिकारियों ने स्कूल बंद करने, द्वीपों से पर्यटकों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि तूफान 5 मीटर तक उठ सकता है, साथ ही चक्रवाती तूफान की गति 490 मील होने की संभावना जताई जा रही है। नेपाल व चीन ने BRI के तहत 6 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं नेपाली प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नेशनल पीपल्स ऑफ चाइना की स्थायी समिति की अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि दोनों देश के बीच सहयोग, प्रशासनिक आदान प्रदान और निगरानी व्यवस्था को लेकर आम सहमति बनी है। सिडनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने पीएम मोदी की भारतीय लोकतांत्रिक की गुणवत्ता के लिए उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद स्वतंत्र देश के आधार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबसे अधिक सुरक्षित रखा गया। वही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें सिरे से नकार दिया जाए। मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भारत के साथ CCPA को मंजूरी दी है। वहीं इस परियोजना के तहत व्यापार, निवेश व सेवा गतिविधियों के तहत आर्थिक विकास को गति देना है। बता दें कि दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इस परियोजनाओं को लॉन्च किया गया। आज के लिए प्राइम इंटरनेशनल में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम TV।